आंदोलन अलग चीज है और राजनीति अलग चीज, दोनों का घालमेल बड़ा घातक होता है। किसानों के आंदोलन में अगर सियासत ने जगह बनाई तो फिर आंदोलन के अगुआ नेता उन तमाम समर्थकों की सहानुभूति खो सकते हैं जो हर कीमत पर इनके साथ खड़े रहे। इसलिए मैं इस मुद्दे को मजबूती से उठा रहा हूं ताकि अन्नदाता की नीयत पर कोई सवाल खड़ा ना कर सके। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह आंदोलन के नाम पर झड़प हुई, ये एक नया ट्रेंड है। जो भी इस हिंसा के लिए जिम्मेदार है उनको आज मेरी बात बहुत चुभने वाली है। हिंसा किसी भी मसले का समाधान नहीं हो सकता, इससे बात बिगड़ती है। मुजफ्फरनगर के सोरम में जो घटना हुई, पहले उसे आप एक एक पहलू हम आपको समझाएंगे, फिर हम दोनों पक्षों से जवाब मांगेंगे। किसानों की लड़ाई लठ पर क्यों आई? उस पे कर रहे कार्रवाई, लठ बजवा रहे गांव मां के किसान, सबके सिर फोड़ते चले। जाटलैंड में क्यों टकराई लाठियां? सिर में लठ मार रखा था और जी सीधू था जी, सीधू की आंख फोड़ रखी, महिला को धक्का मुक्की दी गई। अन्नदाता के आंदोलन में सियासत की घुसपैठ। पश्चिमी यूपी में नया टकराव। कैसे पार लगेगी आंदोलन की नाव? बुजुर्गों पर अपने कार्यकर्ताओं पर लठ चलवाता हो और किसानों के आंदोलन को जातिवादी रंग। मुजफ्फरनगर में क्यों हुई आर पार की जंग? हठ योग से लठ योग, बात तो चुभेगी। किसी भी मुद्दे को समझने के लिए उसके हर पहलू से वाकिफ होना बेहद जरूरी है। डंके की चोट पर सच बयान करने की पहली शर्त है दोनों पक्षों की हर बात को सुनना। इसलिए हमने मुजफ्फरनगर के सोरम में हुए बवाल की ग्राउंड जीरो की पूरी तफ्तीश की। इसमें जो हकीकत सामने आई उससे साफ हो गया कि हां, आंदोलन की आड़ में राजनीति हो रही थी। अगर ऐसा नहीं होता तो पश्चिमी यूपी में शांतिपूर्ण आंदोलन में लाठियां चलने की खबर नहीं आती। लठ बजवा रहे सबके सिर फोड़ते चलेंगे, सिर में लठ मार रखा था। बुजुर्गों पे अपने चाचाओं पे लठ चलवाता हो और रुकेगा हो पकड़ो। मुजफ्फरनगर के सोरम गांव में हुए इस बवाल ने पश्चिमी यूपी का माहौल गर्मा दिया है। किसानों के हठ योग की चर्चा तो हर तरफ हो रही थी, अब हो रही है लठ योग की चर्चा। किसानों का आंदोलन अचानक सियासी खेमेबाजी में उलझ गया है। सरकार के मंत्री और एमपी एमएलए आते हैं, वो थोड़ी दबंगई दिखाते हैं, वो किसान बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। राष्ट्रीय लोकदल के ब्लॉक अध्यक्ष नेतृत्व में उनके 5-6 कार्यकर्ताओं के द्वारा जब मैं 13वीं में मौजूद था, जो रस्म पगड़ी चल रही थी, मैं किसी राजनीतिक कार्यक्रम में भी नहीं था। कम से कम इतना तो रहना चाहिए कि हम इतनी मर्यादाएं तो एक दूसरे के रखें, इतना सम्मान तो एक दूसरे का करें। अन्नदाता के अधिकारों के आंदोलन में सियासत की इस घुसपैठ से ज्यादा हैरान करने वाली बात है जाति जमात की जकड़बंदी। 3 नए कृषि कानूनों के समर्थन और विरोध पर मुजफ्फरनगर में जाटों के 2 गुट आमने सामने आ गए हैं, अब तो लाठियां बजने लगी हैं। स्थानीय सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान सोरम गांव में 13वीं के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहां उनके विरोध में नारेबाजी हुई, विरोध के दौरान जमकर बवाल हुआ, विरोध करने वाले लोगों की पिटाई कर दी गई।
जमकर लाठियां बरसी। किसान यूनियन के नारे लगाए तो उनमें जो मंत्री जी के आदमी थे वे हॉकी डंडा भल्ले पिस्टन लेकर उन्होंने हमारे पे हमला करा जी। उन्होंने लाठी चार्ज करवाई, उनकी साथ कम से कम 150 आदमी होंगे जिन्होंने 8-10 आदमी मेरे ऊपर लग गए। लठ बरसाने की इस घटना में 6 लोग घायल हुए। जख्मी लोगों की माने तो वे भारतीय किसान यूनियन के समर्थक हैं और उन्होंने मंत्री के सामने किसानों के समर्थन में नारेबाजी की थी, जिस पर वे और उनके समर्थक भड़क गए। लाए क्यों थे यहाँ से? जब लाए थे तो अपने मकान पर अपने आप छोड़ करते सुद्धे, यहाँ से इन्होंने झगड़ा करवा। इसके बाद दोनों तरफ से मोर्चा खुल गया। सोनम गांव जाटों के बालियान खाप की आबादी वाला बड़ा गांव है। जाटों के दो गुट आमने सामने आ गए, खुलकर सियासत होने लगी। रालोद के नेता पीड़ित परिवार के समर्थन में आ गए। थाने के आगे धरना दिया गया, संजीव बालियान के खिलाफ तहरीर की गई। रालोद नेता अजीत सिंह भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। हमले का सीधा आरोप संजीव बालियान पर लगाया, दावा किया कि भाजपा सरकार किसानों को कुचलने में जुटी है। किसी भी गांव में जाओगे, किसानों से बात करोगे तो किसान अपनी समस्या बताएंगे आपको, जबकि आप सरकार में हो, आप मिनिस्टर हो, आप MLA हो, MP हो। अपने ऊपर लगे आरोपों को संजीव बालियान ने सीधे सीधे खारिज कर दिया है। उन्होंने अजीत सिंह पर हिंसा भड़काकर सियासी रोटियां सेंकने का आरोप लगाया है। कोई भी हो, मेरा अपना है, इनके बहकाए में मत आइए, आपस में मत लड़िए, प्यार से रहिए। किसी भी राजनीतिक दल में हूँ, हम सब लोग प्यार से। सबसे बड़ा बयान भारतीय किसान यूनियन के नरेश टिकैत की तरफ से आया है, जिन्होंने दो टूक कहा कि घायल कार्यकर्ता भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हैं और ये हिंसा बर्दाश्त नहीं की जा सकती। तो युवा है इस तरह के, उन्हें पता नहीं किस तरह की उनके अंदर हवा भरी, भाई उन्होंने मार पिटाई कर दी, तो ये अच्छी थोड़ी बात है, शोभा नहीं देती। एक जिम्मेदार आदमी के साथ में इस तरह के आदमी रहे, एक तो थोड़ा एक तो गुंडा ही राज हो गए। तो अब सवाल है कि जब सब कुछ शांतिपूर्ण चल रहा था तो लाठियां क्यों बरसी? मुजफ्फरनगर की घटना के पीछे क्या कोई सियासी साजिश है? माहौल बिगाड़कर कौन उठाना चाहता है फायदा? आंदोलन को कौन जातिवादी रंग देना चाहता है? किसानों की एकजुटता किसे चुभ रही है? ABP गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।